नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमनदीप और हिमाचल फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 4 दिसंबर, उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पिछले कल ही टेट का एग्जाम हुआ है, तो जिन लोगों ने भी यह एग्जाम अटेम्प्ट किया है वो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि इस एग्जाम में करंट अफेयर और HP GK के क्वेश्चन कैसे थे और हम अपनी वीडियोज में क्या चेंजेस लाके सुधार ला सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के अपडेट पाते रहें। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज के कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आई केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी नदी या खड्ड हिमाचल प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है? तो इसका सही जवाब है अश्विनी खड्ड। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस साल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 37 नदियों पर 137 स्थानों पर नदियों की जल गुणवत्ता की जांच की गई। इसमें से 9 नदियों और खड्डों में 19 स्थानों पर BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के संबंध में पानी के सैंपल फेल पाए गए और अश्विनी खड्ड, बद्दी की बाल्द, सिरमौर की गिरी, रामपुर की मारकंडा, रोडू की पब्बर और शिकारी खड्ड, नालागढ़ की रत्ता और सरसा, परवाणु की सुखना खड्ड में प्रदूषण का स्तर तय मापदंडों के ऊपर पाया गया है। इनमें से शिमला में बहने वाली अश्विनी खड्ड प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है। बताया जा रहा है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला प्रदूषित पानी इसका मुख्य कारण है। 2022 में अश्विनी खड्ड में BOD 70 मिलीग्राम प्रति लीटर पाया गया था, जो कि अब बढ़कर 80 मिलीग्राम प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच चुका है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2 मिलीग्राम से अधिक BOD वाली नदियों को प्रदूषित नदियां माना जाता है और अश्विनी खड्ड में यह आंकड़ा 80 क्रॉस कर चुका है, जिस वजह से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अश्विनी खड्ड को देश की सबसे दूषित नदियों की श्रेणियों में डाल दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला में जन्मी महिला खिलाड़ी रेणुका सिंह ठाकुर किस खेल से संबंध रखती है? तो इसका सही जवाब है क्रिकेट से। दोस्तों रेणुका सिंह ठाकुर का जन्म सन 1996 में जिला शिमला में हुआ था और हाल ही में उनका चयन भारतीय टीम में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाले टेस्ट मैचों के लिए हुआ है। हालांकि वे पहले भी भारतीय टीम के लिए खेल चुके हैं, परंतु फरवरी में ICC महिला T20 विश्व कप और मार्च में महिला IPL खेलने के बाद उनको पीठ दर्द की समस्या के चलते आराम दिया गया था और हाल ही में उनको फिटनेस टेस्ट क्लियर करते ही भारतीय टीम में दोबारा से जगह मिल गई है। दोस्तों रेणुका सिंह ठाकुर एक तेज गेंदबाज है और कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे अधिक 11 विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था किस हिमाचली लेखक की कृति है? तो इसका सही जवाब है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों चंद्रधर शर्मा जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को जिला कांगड़ा के गुलेर गांव में हुआ था। दोस्तों बताया जाता है कि उनको बचपन से ही घर में संस्कृति, भाषा, वेद, पुराण आदि के अध्ययन और पूजा पाठ का वातावरण मिला और जब वे केवल 10 वर्ष के ही थे तब एक बार उन्होंने संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया था। बताया जाता है कि उनकी योग्यता से प्रभावित होकर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उन्हें बनारस बुलावा भेजा और हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिलाया था और महज 20 वर्ष की उम्र में ही जयपुर स्थित एक लैब के रेनोवेशन के लिए उनको टीम का हिस्सा बना लिया गया था, जहां पर उन्होंने कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स नाम के अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की और 22 सितंबर 1922 को पीलिया के बाद तेज बुखार से मात्र 39 वर्ष की आयु में उनका देवास हो गया था और अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की जिनमें निबंध, कविताएं और कहानियां शामिल है और उनके द्वारा लिखी गई उसने कहा था कहानी सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जो की वर्ष 1915 में प्रकाशित की गई थी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।